सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी हलुद्वनी पंचायत की मुखिया पानो मुर्मू और पंचायत के वार्ड सदस्य पंचायत समिति सदस्यों के साथ मिलकर सभी वार्ड में जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं इस पंचायत का शिविर हलुद्वनी डुंगरी टोला में 7 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर शुक्रवार को गोबरा टोला राजेंद्र मध्य विद्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी सेविका, शिक्षिका और विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। वहीं मुखिया पानो मुर्मू द्वारा सभी आंगनवाड़ी सेविका और वार्ड मेंबर को बताया गया कि अपने अपने वार्ड में और आंगनवाड़ी केंद्र में ग्रामीणों को इस शिविर में भाग लेने और उससे क्या क्या लाभ मिलेगा उसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं मुखिया द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बताया गया कि जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड नहीं बना है इस शिविर में आकर बनवाने की भी जानकारी दी गई। साथ ही बालिकाओं को मिलने वाले लाभ से संबंधित योजनाओं की भी जानकारी दी गई। बच्चों से कहा गया कि वे अपने घर में अपने माता पिता और आसपास के पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी दें, इस शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। वहीं पूर्वी हलुद्वनी पंचायत की मुखिया पानो मुर्मू ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजन कर आम जनता को काफी सहूलियत हो रही है। एक छत के नीचे ही सभी तरह की योजना को एक दिन में ही निष्पादन कर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह झारखंड सरकार रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत रोजगार देने, विद्यार्थियों के लिए फ्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, किशोरियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएं हैं जो जनता को बहुत ही फायदा पहुंचाएगी, इसको लेकर मुखिया ने मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया। मैं ग्राम पंचायत की मुखिया पानो मुर्मू हूँ और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत जो हमारे पंचायत का कैंप लगना है डुंगरी टोला में, दक्षिण हनुमानी के डुंगरी टोला में लगना है, उसके लिए हम सब जनप्रतिनिधि, मैं और मेरी पूरा टीम प्रचार कर रहे हैं। आज स्कूल में आए हैं, सबकी योजना सबकी विकास के तहत आपका बल सभा कर रहे हैं। यहाँ भी जितने भी बच्चे हैं सबको उनके बारे में बता रहे हैं ताकि बच्चे अपने घर में जाके अपने अभिभावक को बोलें और अधिक से अधिक लोग हमारे कैंप में आ सके। जैसे कि सरकार आपके द्वारे के तहत कि सरकार की योजना को सुविधा लाने के लिए हमें जहाँ ब्लॉक जाना पड़ता है, अभी ब्लॉक ना जा करके इस कैंप के दौरान हम अपने घर के सामने इसका लाभ ले सकते हैं, ये समझाएंगे लोगों को। और इस योजना के तहत बहुत अच्छी योजनाएं है, जैसे आधार कार्ड का बनाना है तो आधार कार्ड के लिए कैंप लगेगा, जिनका नहीं बना आधार कार्ड कैंप लगेगा। और साथ ही जैसे खुले भाई छात्रवृत्ति समृद्धि योजना, इसके तहत जो बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिला है इसके तहत जैसे सरकार ने एक गाइडलाइन दी है, वो गाइडलाइन के बारे में बताएंगे। टोटली जितना भी जो ब्लॉक का काम था आज हमारे द्वार में आ रही है और इसके लिए हम सरकार को पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस योजना का लाभ हमारे पंचायत के 100% लोगों को मिल सके।